वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज वान चीमा, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो वॉकिंग टेल्स एपिसोड 12। और इस वीडियो में आपको मैं लाहौर स्मार्टी में एक और स्ट्रीट पे जो कनाल के विलास बन रहे हैं उसके बारे से बताऊंगा। बेसिकली ये फैमिली पार्क है जिसका बोर्ड भी आपको नजर आ रहा है। इस फैमिली पार्क के ना तीनों तरफ में जो है कनाल के विलास बन रहे हैं। पहले मैंने इस विलास के हवाले से बताया था, 20 विलास इस साइड पे हैं, इसकी बैक साइड पे 20 विलास बनेंगे या शायद उनको प्लॉट ऑफर किया जाए बाद में, लेकिन यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है। वहाँ भी ईंटें वगैरह पड़ी हुई हैं और जो बाकी कंस्ट्रक्शन का सामान होता है वहाँ भी पड़ा हुआ है, तो मेरा ख्याल है वहाँ भी शायद विलास ही बनाए जाएँ। और इस साइड से एक्सेस पॉइंट इस साइड से बनता है, लेकिन इन विलास के लिए जिसकी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसके लिए एक्सेस यहाँ से नहीं होगी। ये एक्सेस रोड जो होगा मेन रोड से जो आप नज़र आ रहा है आपको C1 रोड, जिसकी वेट आई थिंक 120 फीट है, इससे एक्सेस के लिए ये 50 फुट का रोड जो है इन विलास के लिए होगा जो इस स्ट्रीट पर बनाए जाएंगे जो फैमिली पार्क के सामने होंगे। अब दूसरी साइड पर देखते हैं जी, ये विलास हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन का काम अभी हो रहा है। ये बेसिकली राउंड अबाउट है, यानी ये डेड एंड है ये स्ट्रीट का, और ये डायरेक्टली अपोजिट साइड पर अगर देखें हम तो लाहौर ईस्टर्न बाईपास की तरफ रोड जाता है। अब ये जो विलास हैं इनकी कंस्ट्रक्शन का जो काम हो रहा है, ये अब देख लें कि रोड लेवल से तकरीबन 1.5 फुट ऊपर प्लेंथ बीम रखी गई है, और प्लेंथ बीम के साथ यानी कि जो ग्राउंड से मैंने पहले वो कुछ जैसे ये प्लॉट्स हैं ये कुछ आपको नीचे खुदाई नज़र आती है, डिप्रेशन नज़र आती है जहाँ पर पानी भी खड़ा होता है, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन होगी तो प्लेंथ बीम रोड से तकरीबन 1 से 1.5 फुट ऊपर होगा या 2 फुट ऊपर होगा, तो ऑटोमेटिकली वो सारा कुछ कवर हो जाएगा। ये मेन स्ट्रीट व्यू है, और स्ट्रीट व्यू के साथ साथ ये लेफ्ट साइड पे ये इस वक्त विलास पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये सारे एक कनाल के विलास हैं। अब मैं आगे चलता हूँ, जाके आपको जहाँ पे रोड ख़त्म हो रहा है वहाँ तक दिखाता हूँ और साथ एक्सप्लेन करता चाहता हूँ ये किस स्टाइल में ऑफर किए जा रहे हैं। अब डेवलपमेंट की अगर बात करें पहले तो ये जो बेसिक डेवलपमेंट होती है विलास की कंस्ट्रक्शन के लिए नीडेड होती है वो होती है कि स्ट्रीट्स का बनना, फुटपाथ्स का बनना, स्ट्रीट लाइट्स का लगना विद सेंसर्स, जो लाहौर स्मार्ट सिटी में और कैपिटल स्मार्ट सिटी में है, बाकी सोसाइटीज़ में नहीं है। विद सेंसर्स से मुराद यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अगर लट से ट्रैफिक का फ्लो नहीं है तो ये लाइट्स डिम हो जाएंगी, और ट्रैफिक का फ्लो है तो लाइट्स ज़्यादा हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटेड होती हैं। जैसे आपकी फ़ोन की स्क्रीन होती है ना, जब आप बाहर जाते हैं तो आपकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है, सेम गोज़ फॉर दीज लाइट्स, इस तरह इनकी ब्राइटनेस भी बढ़ जाएगी और कम हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन कि लाइट कितनी नीडेड है उस रोड पे। अब ये जो आपको नज़र आ रहे हैं आई थिंक ये विला नंबर 4 है, यस, और सारी जो कंस्ट्रक्शन अभी हो रही है ये सबसे ज़्यादा प्राइम लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाते हैं विलास को, क्योंकि ये विलास जो हैं ये मस्जिद के पास हैं, और उसके अलावा यहाँ पर स्कूल भी बनेगा, और उसके सबसे बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट बात है कि मस्जिद के साथ साथ आपकी ईस्टर्न बाईपास के बिल्कुल एडजस्टेंट है। ये ईस्टर्न बाईपास है उससे बिल्कुल एडजस्टेंट है, और इस साइड से अगर देखा जाए तो ये बैक साइड पर आपके फैमिली पार्क आता है, और इस पार्क के बिल्कुल साथ वहाँ पे मस्जिद भी है, तो काफ़ी ज़्यादा इजी एक्सेस बनती है, एक्सेस वाइज भी लोकेशन वाइज भी बड़े अच्छे बनते हैं, बड़ी अच्छी लोकेशन पर ये इनको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। अब आ जाते हैं जी बैक साइड पर, इन विलास की बैक साइड पर जो ये विलास की स्ट्रीट है जो ख़त्म हो रही है यहाँ पर, यहाँ तक ये विलास विला नंबर 23, ये किनाल के विलास हैं। विला नंबर 23 जो कंस्ट्रक्शन है इसकी जो कंप्लीट हो चुकी है, दैट इज ये परसेंटेज गिवन है इस पर। और इस साइड पर अगर देखें तो ये आई थिंक किनाल के प्लॉट्स के लिए ये स्ट्रीट होगी, जो मेम्बरान 100% पेमेंट देके अपने प्लॉट्स का पोजेशन लेना चाहें तो उनको इस स्ट्रीट पर प्लॉट्स मिलेंगे। इसकी बैक साइड पे वो सारा एरिया खाली है, यानी वहाँ पे फ्रूट प्लांटेशन की गई है, और बाकी जो स्ट्रीट है यहाँ तक ये सिर्फ कनाल के प्लॉट के लिए रिजर्व है। इस स्ट्रीट पे विलास बन रहे हैं, बैक साइड पे भी, फ्रंट पे भी, ये साइड देखें विलास, इसके ऑपोजिट साइड पे पार्क, पार्क के पहली तरफ भी विलास बन रहे हैं। ये लाहौर स्मार्टी की आज की करंट डेट की साइट अपडेट है। सो व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम डे। अगर आपको लाहौर स्मार्ट या कैपिटल स्मार्ट या बुकिंग के बारे में कुछ मालूम चाहिए हो तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें, www.makansolutions.com। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिज़।